हेलो दोस्तों, कैलीग्राफी क्रिएटर्स में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बसंत पंचमी और सरस्वती पूजन पर निबंध। बसंत पंचमी का पर्व ज्ञान तथा विद्या की देवी माँ सरस्वती जी को समर्पित है। बसंत पंचमी बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। बसंत पंचमी का त्यौहार हिंदू परिवारों में उत्साह एवं खुशी के साथ मनाया जाता है। हिंदी भाषा में बसंत पंचमी का एक विशिष्ट अर्थ है। बसंत का अर्थ है बसंत ऋतु तथा पंचमी का अर्थ है पांचवें दिन। संक्षेप में बसंत पंचमी बसंत ऋतु के पांचवें दिन के रूप में मनाया जाता है। बसंत पंचमी भारतीय माह माघ के पांचवें दिन, जो कि जनवरी अथवा फरवरी में आता है, के दिन मनाई जाती है। बसंत पंचमी सर्दियों के मौसम के अंत का और बसंत के आगमन का प्रतीक है। बसंत का रंग पीला होता है, जिसे बसंती रूप में भी जाना जाता है। यह रंग समृद्धि, प्रकाश, ऊर्जा और आशावाद का प्रतीक है। यही कारण है कि लोग पीले रंग के कपड़े बसंत पंचमी के दिन पहनते हैं। बसंत का मौसम बहार का मौसम होता है। इस माह में खेतों में चारों ओर पीली सरसों सबका मन मोह लेती है। गेहूं की बालियां सोने का रूप ले लहलहाने लगती हैं। रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। मनुष्य ही नहीं अपितु जीव जंतु पेड़ पौधे भी खुशी से आनंदित रहते हैं।
बसंत का समय बहुत ही सुहावना होता है। इस दिन कोई भी काम करने का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। खास इस दिन को सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त की उपमा दी गई है। भारत के अलग अलग राज्यों में इसे मनाने का सबका तरीका भी अलग अलग ही है। लेकिन भावना माँ सरस्वती जी का जन्म दिवस मनाने एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की ही है। अतः इस प्रकार बसंत पंचमी अथवा सरस्वती पूजन का पर्व संपूर्ण भारत में बहुत हर्षोल्लास एवं खुशी के साथ मनाया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।